बादशाह मस्जिद के तीन बड़े गुंबद हैं और आठ मीनार हैं, जिनमें आठ मीनारों में से चार बड़े और चार छोटे हैं। जो बड़े मीनार हैं उनकी हाइट 176 फीट और 4 इंचेस है, और इसके जो हैं इस मस्जिद में जो नमाजियों की टोटल कैपेसिटी है वो 1,00,000 के पास है। सर, में जब ये मस्जिद बनाई गई थी इसकी चार दीवारी के साथ साथ 80 हुजरे बनाए गए थे। ग्रेटर इकबाल पार्क में अब जो है काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं, यानी कि इसमें अब ग्रेटर इकबाल पार्क का हिस्सा है मीनारे पाकिस्तान, और इसके साथ यहाँ पर जब जिस जगह पे अब मैं हूँ ये इसी दौर में हिस्सा था इसका पुराना जो लारी अड्डा था, और इसके साथ एक ग्राउंड था, वो बड़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन अब जो है बस स्टेशन लारी अड्डा पीछे हट चुका है, और ये सारे एरिए को इन्होंने अब ग्रेटर इकबाल पार्क का हिस्सा बना दिया है।
ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा पार्क है। इसमें रेस्टोरेंट है, दुकान रेस्टोरेंट है, इसके अलावा नेशनल म्यूजियम बना दिया है, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इस ग्रेटर इकबाल पार्क ऐसे हैं। व्यूअर्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मीनार ए पाकिस्तान। ये जो है 23 मार्च 1940 को इसी जगह पर क़रारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी और उसी की याद में ये मीनार ए पाकिस्तान बनाया गया है। ये लाहौर में जो है ग्रेटर इकबाल पार्क उसका भी हिस्सा है। ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया था। ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1962-1968 यानी कि 8 साल में इसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हुई थी और इस पर बनाने का टोटल खर्चा उस दौर में 1968 में इस पर बनाने का टोटल खर्चा जो आया था वो 70,07,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आया था। कार्ड इस बाग के अंदर है, शालामार बाग के अंदर, जिसका मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, वो ये था संगमरमर का पीस। ये एक सिंगल पीस इतना बड़ा है कि इस जैसा पीस पूरी दुनिया में नहीं है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है शालामार के बाग के अंदर। शालामार बाग के अंदर दो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहला इसका ड्रेनेज सिस्टम जो अभी तक चल रहा है, ख़राब नहीं हुआ, और दूसरा ये संगमरमर का पीस। ये सिंगल पीस जो है, इसके अंदर कोई कटिंग नहीं है, लेकिन सिंगल है, पूरे संगमरमर का पीस है। ये दुनिया में सबसे बड़ा। अभी जो हम आगे हैं वज़ीर ख़ान मस्जिद के अंदर, आपके वो जो है वज़ीर ख़ान मस्जिद की लोकेशन के बारे में बताता चलूँ। ये है जो है लाहौर के सबसे मशहूर और मरूफ दिल्ली गेट, उसके अंदर है मस्जिद वज़ीर ख़ान, जो कि लाहौर की सबसे जो मशहूर जो है बादशाही मस्जिद के बाद लाहौर की जो सबसे फेमस मॉस्क उनमें से है मस्जिद वज़ीर ख़ान। ये जो है मस्जिद वज़ीर ख़ान, ये भी 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। आएँ आपको इसके जो बाकी सीन है वो दिखाते हैं। इसकी जो हिस्ट्री है, ये जो आपको पता ही है, मस्जिद वज़ीर ख़ान, ये जो वज़ीर ख़ान था, ये जो है मुगली सल्तनत के अंदर एक बहुत ही जो है आला अहदे पर एक वज़ीर था, उसकी के लिए ये बनाई गई थी, उसके नाम से ये मंसूब है मस्जिद वज़ीर ख़ान। तो आप आएँ इसके हम आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं।
व्यूअर्स, अब हम मकबरा जहांगीर उसके अंदर आ चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं मकबरा जहांगीर। ये वाला जो मकबरा था, ये जहांगीर एक मुग़ल बादशाह था। ये उसकी डेथ हो गई थी 1627 में जब वो कश्मीर से आ रहा था, रोड़ी के मकाम पर उसकी डेथ हो गई थी। और ये मकबरा उसके बेटे यानी कि वो जान नशीन था उसका, शाहजहाँ, उसने बनाया था। ये मकबरा 1627 में बनना स्टार्ट हुआ था और ये 1637 में बनकर कंप्लीट हुआ था। फिर ये जो मकबरा जहांगीर है, इसमें आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसमें, यानी कि सफावी डायनेस्टी यानी कि जो पर्शियन स्टाइल था वो भी इसके अंदर है, और तैमूरी जो स्टाइल है वो भी इसमें यूज़ किया गया है। ये मुख्तलिफ यानी, और इसमें आप मुग़ल स्टाइल है वो भी देख सकते हैं। ये एक मिक्सचर है जो कि बाहर से आप देख सकते हैं कि ये रेड पत्थर लगे हुए हैं और इसके अंदर जो है वो कीमती पत्थरों के छोटे छोटे नक्शोनगार बनाए गए हैं, खूबसूरत खताती की गई है जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल कर लिया गया है। पर अब हम आ गए हैं मकबरा आसफ खान में, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये खूबसूरत मकबरा है जो इसके ऊपर जो लगा हुआ एक बल्ब की तरह इसका गुम्बद बनाया गया है, जो इसको संगमरमर से सजाया गया था उस टाइम। लेकिन अब वहाँ पर आप देख सकते हैं कि संगमरमर उन्होंने उतार लिया है, अब वैसे ही ईंटें वगैरह जो हैं वो नज़र आ रही हैं आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी ये देखने में भी खूबसूरत है, जो इसके ऊपर भी बाकी मकबरों की तरह खूबसूरत पत्थरों से, कीमती पत्थरों से इसकी डेकोरेशन की गई थी, नक्श नगारी की हुई थी सारी की सारी इसके ऊपर। और देख सकते हैं मेरे पीछे ये कामरान की बारादरी है। जो कामरान था ये बाबर का बड़ा बेटा था, ठीक है, और उसकी ने ये वाली बारादरी बनवाई थी। ये बिल्कुल दरिया रावी है, उसके बिल्कुल दरमियान में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप ये खूबसूरत बारादरी है, और इस तरफ ये आप देख सकते हैं कि उसके आगे ये खूबसूरत तालाब वगैरह बने हुए हैं और ये पार्क वगैरह सारे बने हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम तो ये इस जगह पर पहली दफ़ा आए, लेकिन लग ऐसे रहा कि जैसे ये जन्नत की तरह उन्होंने बनाई हुई, बहुत ही खूबसूरत। बारादरी के अंदर आपको ले चलते हैं, अब बारादरी दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं बारादरी, जो कि दराए रावी के बिल्कुल अंदर है, इसे कामरान की बारादरी कहते हैं। इसके सामने ये खूबसूरत तालाब बना हुआ है और आगे ये पार्क बनी हुई खूबसूरत। ये एक बिल्कुल एक आइलैंड की तरह है दराए रावी।